हृदय से स्वागत है माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका एक बार जोरदार तालियों से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत हम हृदय से अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी का माननीय आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ा है हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बहुत बहुत स्वागत है माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपका आज के इस कार्यक्रम में और हम स्वागत करते हैं आ, हमारे बीच में हैं श्रीमती मीता राजीव लोचन जो कि सेक्रेटरी हैं यूथ अफेयर्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत है पृथ्वी पर ऐसा कोई पर्वत नहीं जिसे न्यू इंडिया के हमारे युवा पार न कर पाए ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे उनके अंदर का अर्जुन भेद न पाए और आकाश में ऐसा कोई नक्षत्र नहीं जिसे वो तोड़ना चाहें और हाथ बढ़ाकर तोड़ न लें भुजा की थाह पाना चाहता हूँ हिमालय को उठाना चाहता हूँ ये युवा कहते हैं कि भुजा की थाह पाना चाहता हूँ हिमालय को उठाना चाहता हूँ ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ हथेली पर नचाना चाहता हूँ समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ धधक कर आग जीना चाहता हूँ धधक कर आग जीना चाहता हूँ आज माननीय देश भर से पधारे युवाओं की उपस्थिति ऐसी लग रही है मानो भारत का आकाश भर विस्तार यहीं पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आया हो हम उत्साह अथाह समुंदर इन सभी युवाओं को प्रणाम करते हैं और अब हम आग्रह करते हैं सचिव युवा मालिक श्रीमती मीता राजीव लोचन जी से कि कृपया स्वागत भाषण दें My colleague, Secretary Sports Sujata Chaturvedi, ma'am, and all my young friends, officers of the Lok Sabha, officers of the Ministry. Friends, it is my privilege to welcome all of you to this fourth edition of the National Youth Parliament Festival. It is wonderful to see that all of you have come here today from different parts of the nation. To take part in this Youth Parliament Festival. It is wonderful to see your enthusiasm, your energy, and the life of the democracy in any nation depends on the young people and their engagement with the issues of the day. Uh, that is the unique quality about India that the young people in this nation engage continuously and uh, they show their commitment.

Today, also, when we look at the young in India, whether it be politics, whether it be business, whether it be education, they are leading from the front. You are our future, and we depend upon you for realizing the vision of India as a great nation. Uh, friends, the other thing that is remarkable about Indian democracy is that we have a commitment to live together and to work together about india it has always been said that india represents unity in diversity human beings are different no two human beings are ever the same all nations are diverse what is unique about india what distinguishes indian democracy from all other democracies is this commitment to live together to work together Despite all differences in language, in religion, in community, every time we have such functions, and when we look at the daily life of our nation, we see that Indian youth, Indians from all walks of life, come together and work together, and that is what makes India the greatest democracy in the world. Today, I once again welcome you all and let us. अफर्म अवर कमिटमेंट टू वर्क टूगैदर टू रियलाइज द गोल ऑफ इंडिया एज अ डेवलप नेशन टू थ्रो ऑफ ऑल ट्रेसिज ऑफ स्लिविश मेंटेलिटी टू थ्रो ऑफ ऑल ट्रेसिज ऑफ कॉलोनियलिजम एंड वर्क टू रियलाइज द विजन ऑफ इंडिया बींग अ विश्वगुरु थैंक यू जय हिंद बहुत बहुत सचिव महोदया माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नई दिशा एक नई सोच एक नई अप्रोच के साथ युवाओं में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं आप ऐसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस में से हैं जिन्हें बेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड तथा 2019 में संसद रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है माननीय हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इन युवाओं को हम सबको संबोधित करें और हम सबको प्रेरणा दें माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा रिस्पेक्टेड श्री ओम बिरला जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री निशित प्रमाणिक जी My colleague in the Lok Sabha and a very dear friend, Shri Manoj Tibadiji, Secretary Youth Affairs, Shri Mati Meetaraji Ji, Secretary Sports, Shri Mati Sujata Jatruvedi Ji, officials and friends who have gathered here from the various parts of the country. Let me first welcome you all and congratulate you to be amongst those talented youth who have been selected from across the country. Seeing all of you youngsters assembled here gives me a lot of hope for our present and the country's future. Honorable Prime Minister Modi in his Man Ki Bad addressed on 31st December 2017 had extensively spoken about giving a chance to, to the youth to put forth their views on various issues concerning the country. and i take great pride that, in fact, that the ministry of youth affairs and sports have left no stone unturned to realize prime minister modi's vision. and let me also thank the honorable speaker for helping us to realize this dream. as we conceptualize the first edition of the national youth Par parliament festival, in the year 2019 which was organized with the theme be the voice of new india and find solutions and contribute to policy more than 80,000 youngsters participated in the physical mode the second edition of the national youth parliament festival 2021 was organized with the theme yuva utsa Ka," which was witnessed by more than 23 lakh youth and stakeholders across the country in the virtual mode during the COVID 19 pandemic. And the third edition of the National Youth Parliament Festival 2022 was organized with the theme Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to the Policy, with participation of more than 2.44 lakh youth from across the country. This year, the fourth edition of the National Youth Parliament Festival 2023 was launched with the theme Ideas for a Better Tomorrow, India for the World. You all would be glad to know that, that the district youth parliaments were conducted in January 2023. Over 2 lakh youth from more than 748 districts of all states and union territories participated. एट 150 एंड फिफ्टी वेन्यूज अक्रॉस द कंट्री अब दो लाख युवाओं ने तो भागीदारी की लेकिन मान्य अध्यक्ष जी दो लाख युवाओं में से जो पचासी चुनकर हम सबके बीच में आए हैं मैं एक बार आपकी और अपनी ओर से इन सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यात्र करता हूँ मैं जहां इस मंच के दोनों ओर देख रहा हूं कि दोनों सचिव भारत सरकार की महिला हैं और वहीं पर 85 में से पार्टिसिपेंट भी 61 भारत की बेटियां हैं सो so, मेरे युवा साथियों यह बहुत बड़ी बात है कि आज हम देश के किसी कोने में जाए और एक राज्य की बात नहीं हम देखते हैं कि किसी भी कॉलेज स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो या खेलों का ही फंक्शन क्यों ना हो वहाँ पर भारत की बेटियाँ दस में से सात सात मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रूप में सबसे आगे आती हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत में बेटियाँ कैसे आगे बढ़ रही हैं मोदी जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने उससे भी आगे बढ़ने का काम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक उदाहरण माननीय अध्यक्ष मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पिछले साल जब हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ तो उसमें से 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया और इस बार जब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तब 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 19 से ज्यादा बेटियों ने तोड़ने का काम किया अब इसी तरह से रिकॉर्ड कुछ भारत ने भी तोड़े हैं 2014 से पहले भारत की छवि फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमीज की थी और फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में फ्रॉम फ्रेजाइल फाइव वी हैव बिकम फर्स्ट फाइव अमंग द फर्स्ट फाइव इकोनॉमीज और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम कैसे देश बदलता है आठ वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा है कहाँ एक समय था 2013-14 तक पॉलिसी परालिस की बात करते थे आज पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं यही नहीं मेरे युवा साथियों जब दुनिया के सामने आपदा आई हम सब लोग लॉकडाउन में बंद थे एक और मोदी जी की सरकार में नीति निर्माण हो रहा था पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने का काम हो रहा था नीचे आम जनमानस को सुविधाएं देने के लिए हमारे वॉल्टियर्स जो थे यूथ वॉल्टियर्स वो देश भर में सर लाखों नहीं करोड़ों हमारे युवाओं ने देश में अनाज बांटने का काम कोविन ऐप के बारे में जानकारी आरोग्य सेतु ऐप ये सब करने का काम युवाओं ने किया तो वहीं पर भारत ने अपनी दो वैक्सीन भी बनाई 220 करोड़ वैक्सीन देश में मुफ्त लगाई और दुनिया के 150 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम किया और अपने पड़ोसी देशों को 30 परसेंट दवाई अपनी कुल दवाई का भी देने का काम यानी कि पड़ोसियों की जान भी बचाई और दुनिया भर में भी भारत ने एक नई ऊंचाई पाने का काम किया है आज जहां लोग कहते थे कि भारत में लाखों लोग मर जाएंगे इतनी मृत्यु हो जाएगी भूखमरी से महामारी से हम सीना ठोक कर कह सकते हैं ना भूखमरी से मरने दिया क्योंकि 80 करोड़ गरीबों को अट्ठाईस महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया मुफ्त में दवाई से लेकर वैक्सीन लगवाने का काम किया और अर्थव्यवस्था को भी चरमराने नहीं दिया हमने दुनिया भर के एक देशों से इक्सठ सेक्टर में भारत में 31 राज्यों में रिकॉर्ड एफडीआई लाने का काम भी किया है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है अर्थव्यवस्था तो बनी लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में हमारे युवाओं ने क्या शानदार काम किया आप स्टार्टअप नेशंस देखिए आज से सात आठ साल पहले भारत का नाम कहीं नहीं आता था केवल एक पॉलिसी में बदलाव करके प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का हाथ पकड़ा आगे बढ़ाने का काम किया और युवाओं ने अपनी ताकत को दिखाया है मात्र आठ वर्षों में भारत को आज दुनिया के पहले तीन स्टार्टअप नेशन में लाकर हमारे युवाओं ने खड़ा कर दिया है मेरे साथियों नब्बे हजार से ज़्यादा स्टार्टअप्स आज भारत में हैं 107 यूनिकॉर्न भारत में है यानी कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स यानी कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं दुनिया में रोज नए सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में बन रहे हैं और थर्ड लार्जेस्ट हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में आकर खड़े हुए हैं यूपीआई का नाम सुना है किसने यूपीआई भी मैं यूपीए की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं यू भीम की बात कर रहा हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म फिनटेक का जहाँ पेमेंट ट्रांसफर्स के लिए बहुत बड़ी शुरुआत हुई लोग हंसते थे 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जनधन खाते खोल ले हैं तो मुझे याद है प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से अभी भाषण देके ख़त्म नहीं किए मीडिया में आलोचना होनी शुरू हो गई और ये इतने बड़े देश में कहाँ खाते खुलेंगे क्यों गरीब का खाता खोलेंगे लेकिन वेन वी टॉक अबाउट जैम ट्रिनिटी जन आधार मोबाइल इट स्पीक्स हाउ बी ब्रॉटिन मोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू दिस्टम हाउ डिलीवरी मैकेजम हैजिकम मोर बेटर हाउ लास्ट माई डिलीवरी हैज बीन इंश्योर्ड एंड टूडे वी कैन से वॉट इन द अर्यर रिजीम्स राजीव गांधी जी यूज टू से मैं सौ रुपया भेजता हूँ पंद्रह रुपया नीचे पहुंचता है पचासी रुपया कौन खाता था आज हम कहते हैं हम सौ रुपया भेजते हैं तो सौ रुपया ही खाते में पहुंचता है खाने वालों को खत्म कर दो अब ये बदलाव देश में आए हैं मैं इसलिए सब बातों को कह रहा हूँ क्योंकि आप वर्तमान भी है और भविष्य को बनाने वाले भी आप हैं यू आर द प्रेजेंट एंड यू विल बी बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एज वेल सो लेट मी रिमाइंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ बट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्स द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस यू आर बींग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर एंड यू हैव टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग एज द इंडिया इज बिल्डिंग अ लॉर्ड ऑफ फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज एट द सेम टाइम दिस डिजिटाइजेशन एंड डेटा रेवोल्यूशन विच हैज़ एनहैंस द एफिशंसी ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ट्रांसपेरेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सिटीजन्स ट्रस्ट आपदा के समय बीस करोड़ महिलाओं के खाते में एक बटन दबाकर इकतीस हजार करोड़ रुपये की मदद मोदी जी ने पहुँचा दी कोई जाना नहीं पड़ा सीधा खाते में पैसा आया अभी तीन दिन पहले आठ करोड़ किसानों के खाते में सोलह हजार करोड़ रुपया डाला केवल एक बटन दबाकर आज इंश्योर किया है कि हमारा ये सिस्टम काम करे दूसरा हमारी सॉफ्ट पावर योग हो आयुष हो होम्योपैथी यानी आयुष में मिल आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी इन सबको लेकर भी आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ के चैलेंज देखने को मिलते हैं कि लोग स्ट्रेस के कारण लेकिन भारत में आज भी उसकी बात करें तो लोग सोचते हैं अच्छा मेंटल हेल्थ की बात करनी है थोड़ा उसको नेगेटिव लिया जाता है लेकिन इसकी चर्चा को हमें और आगे बढ़ाना है आज मैं देखता हूँ दुनिया भर के लोग भारत की ओर चले हैं योग सीखने के लिए स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये सब के लिए ये हमारी ताकत है हमें भी अपनाना है और दुनिया तक भी पहुँचाना है और ये ग्लोबल लाइफ गोल जो वेस्ट में है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है यही नहीं एनवायरमेंट को ले भारत सजग तो है ही सुधार करने का काम भी किया है जब दुनिया के बड़े बड़े देश के ऑटो प्रोटोकॉल को नहीं मान पाए ना निभा पाए और कॉप ट्वेंटी वन में भी वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आए तब भारत के नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में नेतृत्व देने का काम किया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत में बना भी दुनिया भर के देशों को जोड़कर हेडक्वार्टर भी भारत में बना है और कॉप ट्वेंटी सिक्स में भी भारत ने ही सबसे आगे बढ़कर कहा जब मिशन लाइफ की बात की लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में जागरूकता फैलाने की बात की तब जाके लोगों ने उसको अपनाया हमने जो टारगेट 2030 के रखे थे रि, रिन्यूबल एनर्जी के वो भी हमने उससे पहले पूरा करने का काम किया है कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो मिशन दोस्त एक समय था देखिए भारत मदद मांगने वालों में से था आज भारत चाहे नेपाल में अर्थक्वेक आया चाहे लीबिया सीरिया में अरब स्प्रिंग के बाद वहां पे मुसीबतें आई या अफगानिस्तान में मुसीबत आई टर्की सीरिया में अब अर्थक्वेक आया अब भारत वो भारत नहीं रहा अब भारत मदद देने वाला बना है मदद लेने वाला नहीं बना है एंड इफ देर इज क्राइसिस एनी वेयर इन द वर्ल्ड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट रिस्पोंडर दैट इज द इमेज वी हैव क्रिएटेड टूडे और सात आठ सालों में बदला है आपको तो अपना जीवन अगला पूरा जीना है देश के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि आठ साल में कैसे इतने बड़े देश में बदलाव लाया जा सकता है सो so इतने बड़े देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा लाल किले की प्राचीर से युवाओं को पंच प्रण देने की बात कही फाइव रिजॉल्व की बात कही पहला हमें भारत को विकसित भारत बनाना है दूसरा हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है अपनी कला संस्कृति साहित्य को और बढ़ाने का काम करना है और इसका उदाहरण सबसे बड़ा है सोमनाथ धाम बनाई काशी विश्वनाथ धाम बनाया केदारनाथ धाम बनाया महाकाल लोक को बनाया और बौद्ध सर्किट बनाया हेमकुंड साहब तक रोप को पहुँचाया करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाया साथ ही साथ अब अगले साल भव्य राम मंदिर और अयोध्या धाम बनाकर भी आपको देने का काम कर दिया जाएगा अब ये केवल आस्था के केंद्र नहीं इसके साथ आधारभूत ढांचा जोड़ के अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बनाए द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इफ यू लुक एट अराउंड दैट इट हैचुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल देयर सो इस तरह से हमने कैसे कैसे बदलाव किए हैं तो दूसरा अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना तीसरा गुलामी की सोच से मानसिकता पाना आज भी इस देश में कुछ लोग हैं गुलामी की सोच के साथ ही जी रहे हैं वैसे देश आगे नहीं बढ़ सकता हमारा देश आजाद हो चुका है और जिन महानुभावों के अब चित्र इस यहाँ पर या पूरे प्रांगण में देखेंगे उन लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन दे दिया है हमें आजाद भारत मिला है हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं आपको योगदान देने का समय आया है योगदान देकर आगे लेके जाने का चौथा देश को एकता एकजुटता बनाए रखना अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं विभिन्न बोलियां हैं हमें सबको एकजुट रख के भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कल्पना को लेकर आगे जाना है और पांचवा हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डेडिकेटेड एंड रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट साइड यही नहीं जब प्रधानमंत्री जी अमृतकाल की बात करते हैं तो इस बार के बजट में आपने वो उम्मीद देखी होगी वो होप दिखा होगा बजट के माध्यम से कैसे भविष्य का भारत हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो पिछली बार से 33 प्रतिशत ज्यादा है यानी कि आधार भूढ़ा और सुदृढ़ होगा और रोजगार खड़े होंगे रेलवे में 2014 के मुकाबले नौ गुना ज्यादा बजट किया गया दो लाख चालीस हजार करोड़ रुपए का आवास सबको मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 परसेंट की वृद्धि है 79,000 करोड़ रुपीज की युवाओं को एमएसएमई को और पैसा मिले दो लाख ,00 करोड़ रुपये बैंकों के माध्यम से मिलेगा अब ये सब उस दिशा में है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत का पांचवें नंबर की इकॉनमी से सीधा तीसरे नंबर की इकॉनमी की ओर लेकर जाने का काम करेंगे और इस बार के बजट में वो उम्मीद वो होप दिखती है कि हमारा भारत अब रुकने वाला नहीं है ये कोविड 19 से पहले भी पहले नंबर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली थी और आने वाले कई वर्षों तक रहेगी इस बात को भी सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे मित्रों हमने इनोवेशन में भी इक्यासीवें नंबर से चालीसवें नंबर तक पहुंचने का काम किया है और हमारे जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब मैं कहता हूं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले ग्यारह करोड़ लोगों को हमने देश भर में 11 करोड़ घरों को अगर जाके देखें तो नल से जल देने का काम किया है नौ करोड़ साठ लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया है अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है जब हम इन बातों को सब जगह जाकर करते हैं कि साढ़े तीन करोड़ पक्के मकान हमने बना कर दे दिए तो इसी हॉल में या इस संसद में जब बाहर के लोगों को आते हैं जो माननीय अध्यक्ष जी जब अलग अलग देशों के सांसद वहाँ के अध्यक्ष उन सबको बुलाते हैं जब आंकड़े उनके सामने रखे जाते पैंतालीस करोड़ बैंक खाते दो साल में खोले साढ़े नौ करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर देते तो उनको अपने आप में बहुत अलग लगता है कि कैसे संभव हो सकता है लेकिन भारत में असंभव को संभव करने का काम ये भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है इसीलिए जब अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की हम बात करते हैं तो असंभव को संभव करने का काम आपको भी करना है अपना करियर तो देखना है साथ ही साथ कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां आप बदलाव देखना चाहते हैं आप अपना कमिटमेंट कीजिए चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो रोजगार हो पानी हो पर्यावरण हो जहां पे आपको लगता है कि आपका योगदान अगले 25 वर्षों तक होना चाहिए अस लिव एंड ब्रीद एवरी मोमेंट वो करना चाहिए हमें एक एक सांस इस देश के प्रति समर्पित हो कि हम उस क्षेत्र में बदलाव लाएंगे और उस बदलाव का कारण हम बनेंगे हम भारत को अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने में अपना पूरा योगदान देंगे और हम तब कहते हैं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला था डिफेंस इक्विपमेंट का आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट भारत में बनते हैं और भारत सोलह करोड़ का निर्यात एक्सपोर्ट पचहत्तर देशों को करता है और अगले दो सालों में चालीस हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कर लेगा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें माननीय स्पीकर महोदय को सुनना है लेकिन अध्यक्ष जी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं यह चौथा ही एडिशन हो सकता है लेकिन जो अनुभव यहां से प्राप्त हुआ है इस देश के कोने कोने में इतना हुनर है ये केवल पढ़े लिखे युवा विद्वान नहीं हैं ये जिस प्रभावशाली ढंग से अपना भाषण रखते हैं देश के प्रधानमंत्री भी इनके भाषण को ट्वीट करते हैं और इनको भी अपने यहाँ चाय या भोजन पे बुलाते हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक शुरुआत और इनका मनोबल बढ़ाने का काम वहाँ से भी हुआ है आपने इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ युवा साथियों इस हॉल को बहुत अच्छे ढंग से देख लें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कोई बता सकता है मैं स्पीकर महोदय से बैठे बैठे वही बात कर रहा था कि जहाँ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूं असेंबली हुई हो और पचहत्तर साल तक देश की लोकसभा राज्यसभा का बीच में सेंट्रल हॉल अब प्रधानमंत्री जी और लोकसभा स्पीकर महोदय ये देश को नई संसद देने वाले हैं लेकिन मेरे जैसे एमपी जो चार बार लोकसभा का सांसद बन के बहुत सारा समय यहाँ पे बिताया हो और आप जैसे युवा जिनका शायद ये आखिरी बैच होगा जिसको यहाँ पर प्रोग्राम करने का अवसर मिल रहा है अगली बार से हमारी नई पार्लियामेंट भी बन जाएगी तो आप वो भाग्यशाली भी हैं जब इस संसद का ये सेशन अगली बार से कभी भविष्य में दूसरे नए सदन में होगा तो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है तो एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और माननीय स्पीकर महोदय का अपना कीमती समय निकाल कर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर डिपार्टमेंट की ओर से सरकार की ओर से करता हूँ जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और हमारे बीच में माननीय श्री निशीत प्रमाणिक जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर होम अफ़ेयर्स भी पधार चुके हैं हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं <laughs> इन युवाओं में वायुसी रफ्तार है स्वाभिमान से जो ये चल पड़े हैं हर बाधा छोटी और इनके हौसले बहुत बड़े हैं ये युवा नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प लेकर चल पड़े हैं देख रही है दुनिया में उजियारे विश्वास को एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में माननीय कल ये संसद भवन इन युवाओं की आवाज़ों की अग्नि शिखाओं से ज्वलंत था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीन विजेता आज यहाँ आपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं माननीय इसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि प्रथम पुरस्कार दो लाख रुपए का है द्वितीय जो है वो डेढ़ लाख रुपए का और तृतीय एक लाख रुपए का और जो कॉन्सुलेशन प्राइजेस हैं वो पचास पचास हजार रुपये के हैं तो माननीय तीसरे स्थान से हम शुरुआत करना चाहेंगे ये सारे के सारे जो विनर्स हैं ये मुखर भी हैं और प्रखर भी हैं तो तीसरे स्थान पर जो रही हैं उन्हें मैं अब आमंत्रित कर रही हूं माहिरा खान फ्रॉम छत्तीसगढ़ जब जब दहला विश्व हमारा जब जब दहला विश्व हमारा और जब जब बेमकसद खून बहा चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा भारत को एक दूत कहा माई वोम ग्रीटिंग्स टू डिग्नेटरीज आई एम माहिरा खान फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ पीस बिल्डिंग एंड रिकनसिलिएशन अशरिंग इन द इरा ऑफ नो वॉर टेकिंग प्राइड इन इंडियाज हिस्ट्री इज वन ऑफ द पाच प्रंस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द एज ऑफ अमृतकाल आुकिंग बैट At history, it is a proof that India has always been a harbinger of peace. No war does not mean that we have no reason to fight war. It only means that we give importance to peace by following values of compassion and forgiveness. It was the value of compassion. That even after winning the war in Kalinga, Samrat Ashok decided to never wage a war and spend his entire life to preach the message of peace to countries as far as Greece. It was the value of forgiveness that even after the British sent our soldiers to world wars and our farmers to famines, Mahatma Gandhi still chose Ahimsa and Satyagraha for independence. Taking inspiration from India, Nelson Mandela also chose to forgive the apartheid regime in South Africa. My dear audience, like this year's theme, India for the World, India not only preaches but also practices Vasudeva Kutumbakam. In India's G20 presidency, we advocate for a multilateral world in which no one country dominates another country when china dominated indo pacific india rushed to help and support asean countries it acted east when sri lanka needed loans india was the first to give assurance to imf it showed that we believed in neighborhood first and when turkey syria were hit by deadly earthquakes india rushed for their aid it showed our brotherhood remember in 1945 after testing the first atomic bomb, Oppenheimer quoted from Bhagavad Gita Now I have become death, the destroyer of worlds. And soon after that, the bombings in Hiroshima and Nagasaki, it was proved that the world does not need a war for peace, but it only needs one war, and that is the war against war itself, exactly what Mahatma Gandhi used to preach. Hame एक वास्तविक युद्ध की जरूरत है एंड दैट्स वाई ऑल ऑफ अस नीड टू यूनाइट फॉर वन सिंगल कॉज ऑफ अ प्लैनेट अर्थ द कॉन्फ्लिक्स इन वेस्ट एशिया एफ्रीका एंड द कॉन्स्टेंट क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड डोमिनेंस बिटवीन यूएसए एंड चाइना आर डूइंग नो गुड फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट and this is worse even in the post covid era something which we cannot afford and in this circumstance the world looks at india to find peaceful negotiation and conciliation in the midst of russian ukraine war as the voice of global south we believe that few rich countries which have caused maximum war and pollution in the last century should pay for their mistakes by helping and not holding back technologies from poor countries i understand that we might be divided by borders but we believe that our culture sports and ideas could unite us and in this condition the world looks at international solar alliance for an equitable solution to green energy transition. Our Jawar, Bajra, and Ragi are being celebrated as superfoods in the world today. And the world looks at Ayush for a healthy lifestyle. My dear audience, when one youth from Naxal affected area of Abujmar in Chhattisgarh can strive and participate in international football, it inspires so many of us. To strive for a home that is free of conflict and full of opportunities and growth. In us, in each of us, lies immense ability to solve any internal or external conflicts through peace, passion, and compassion. ये कायनात, ये जमी ये कहकशा का रास्ता इसी पे गामजन रहो अमन की राह पर चलो थैंक यू सो मच थैंक यू माहिरा, और अब द्वितीय स्थान पर जिन्होंने जीत हासिल की वो हैं सिक्किम से श्री नरेश क्षेत्री आमंत्रित हैं। जहाँ बैती है टिस्टा रंगित, जिसका कंचन जंगा है सिर जो धरती हमेशा पैदा करती है गोरखाली वीर उस पवित्र भूमि सिक्किम से मैं नरेश छेत्री आज के उपस्थित हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी सर हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग सर और सभी अतिथिगण मेरे युवा साथियों आज मैं अपनी विषय भारत देश की जी ट्वेंटी में अध्यक्षता एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य भारत कैसे विफल होता है इस दुनिया ने अच्छी तरीके से देखा है कोविड के समय में अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस देश में सिर्फ जलती हुई लाशों को पूरी दुनिया को दिखाया है आज भी ये दुनिया भारत देश को सिर्फ एक सपेरा का देश समझती है लेकिन जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ शक्ति ही शक्ति को इज्जत करती है और आज हमें अपनी शक्ति दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है यह शक्ति किसी हथियार की शक्ति नहीं है ये शक्ति किसी पर दबाव या शासन करने की शक्ति नहीं है यह शक्ति तो वासुधैव कुटुंबकम के भाव में अहम ब्रह्मी के ब्रह्म विद्या से एकम सत विप्र बहुत वेदांति के संदेश के साथ पूरी दुनिया को एक करने की शक्ति है ये आज जब भारत जी ट्वेंटी का अध्यक्षता कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने ग्लोबल साउथ के ऐसे ऐसे देशों को निमंत्रण दिया है जो देश जी ट्वेंटी के सदस्य नहीं है इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आज विश्व फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में बढ़ चुका है उसे वन वर्ल्ड बनाने का पहल भारत देश ने आज किया है मेरे युवा साथियों आज पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाता है लेकिन योग को हम सिर्फ एक शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं लेकिन योग सिर्फ एक शारीरिक स्वास्थ्य में सीमित नहीं है यह एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसकी माध्यम से हम पूरी दुनिया से एक हो सकते हैं और जी ट्वेंटी के अध्यक्ष होने के नाते आज इस विज्ञान को भारत देश पूरी दुनिया को उपहार के रूप में दे सकता है भागवत गीता का एक श्लोक पूरी दुनिया को एक कर सकता है जहां कृष्ण कहते हैं प्रजा सृष्ट का मधू का मतलब ये पूरा संसारी एकता के भाव में निर्माण हुआ है और इस दुनिया का हर एक समस्या का समाधान हम एक होके कर सकते हैं हम एक होके जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं हम एक होके आने वाले हरेक संकट को रोक सकते हैं आज हमें अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना होगा आज हम हरेक क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं आज हम हम ग्रीन एनर्जी में तरक्की कर रहे हैं अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे यूपीआई के बारे में जब उदयपुर में जी का पहला बैठक हुआ तब दुनिया भर से आए हुए हमारे अतिथियों ने यूपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और उन्होंने समझा कि ये UPI कितना आसान है और यह साधारण सा पहल हमारी यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है लेकिन आज हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां से हम सस्टेन नहीं हो पाते तो आज हमें रीजेनरेटिव डेवलपमेंट की आवश्यक है जिसका उदाहरण है इस देश का छोटा सा राज्य सिक्किम हाल ही में वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम सिंह तामांगोले जी के नेतृत्व पे वहां पर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है मेरो रुख मेरो संतति इसका मतलब हरेक बच्चे का पैदा होने से एक पौधे लगाना अनिवार्य है और सिक्किम भारत देश का पहला और पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला राज्य है इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम जमीन से जुड़कर मिट्टी से जुड़कर पर्यावरण के साथ एक होकर पूरे जीव जंतु को साथ में लेकर वहां सुधुम के भाव में आगे बढ़ सकते हैं इसका उदाहरण इस देश का छोटा सा राज्य सिक्किम है और ऐसे छोटी बड़ी उपलब्धियों को आज हमें दुनिया के सामने लाना होगा और दुनिया को बताना होगा कि आज भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं है एक ऐसा कंपिटेटिव फोर्स है जो पूरी दुनिया को सही नेतृत्व और सही मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य इस देश भारत में है मेरे युवा साथियों हम के भाव में पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं लेकिन इस परिवार में भी अगर कोई शकुनी बन के आगे आएगा तो उसको हम कृष्ण बन के समाप्त भी करेंगे क्योंकि आज का भारत सिर्फ आदर्शवाद भारत नहीं है आज का भारत यथार्थवाद भारत है हम कभी शंकर बन के खुद विश्व को अमृत प्रदान करेंगे तो कभी हम कृष्ण जैसे अटूट बनकर अस्तित्व की रक्षा भी करेंगे तो मेरे युवा साथियों हम सदियों से पूरी दुनिया को एक परिवार मानते आए हैं और इस बड़े परिवार को एक भविष्य की ओर ले जाने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है तो आइए इस बड़े परिवार को एक भविष्य के ओर ले चले आगे बढ़ चले जय हिंद जय मां भारती जय सिक्किम धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नरेश नरेश क्षेत्री सिक्किम से अभी अपना भाषण दे रहे थे वक्तव्य दे रहे थे और अब बारी है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की विजेता यानी प्रथम पुरस्कार जिन्होंने हासिल किया है आस्था शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन the ऑफ of Franklin आई कोट वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड फ्यूचर फॉर our यूथ बट वी कैन बिल्ड our यूथ फॉर द फ्यूचर i unquote. honoured dignitaries and my dear fellow countrymen, good morning to one and all present here. i'm astha sharma from himachal pradesh, devabhumi, as it is known. today, i stand here to present my views on shared future, youth in democracy and governance. the spirit of democracy cannot be superimposed from outside. it must come from within. These are the words of Mahatma Gandhi. But why, are we, but why are we talking about youth in democracy? As I said, democracy has emerged as one of the most successful forms of governance. But unfortunately, youth participation has relatively decreased. Young minds are feeling isolated and disparaged. My dear friends, the youth of India has, has been waiting with open arms to grab the opportunities. We've, we've, we all have set goals for India 2047, haven't we? We've all dreamt of a future ready India. We want India to have the best infrastructure, to have the best ever higher education. We want India to have an affordable world class healthcare system. बट माई क्वेश्चन इज विल आर नेक्स्ट जेनरेशन एस्पायर फॉर द सेम थिंग्स आई आस्क यू लेडीज एंड जेंटलमैन इज दिस तलेग सी वी आर टॉकिंग अबाउट युवा ही देश का भविष्य है और इस अखंड राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने की योग्यता रखता है यूथ हैज द पोटेंशियल दी ओनली नीड इज टू प्रोवाइड दैम विद रिसोर्सेज एंड अ गुड चांस But if we flip the page, today's youth has developed a lack of interest in politics and a perception that their voices won't be heard. So, here a question might arise Why and how can we increase the role of youth in democracy? Let's answer why. Involving youth in decision making processes will help us ensure that policies are designed with their interests in mind youth can provide us with new perspectives involving youth will help us build a sense of ownership and let us talk about how can we do that youth should participate in democratic processes like voting and engage in community services Youth can hold elected officials and policymakers accountable for their actions. And last but not the least, youth can themselves act in a positive way and make India a developed India. I'd like to conclude by saying, Sambhav hai sab kuch, asambhav kuch nahi. Sambhav hai sab kuch, asambhav kuch nahi. Kar buland, dur kuch Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Namaskar. थैंक यू सो मच आस्था अब देर नहीं अब वो दिन दूर नहीं जब इक्कीसवीं सदी भारत की ही होगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ओज और इन युवाओं का तेज बस यही कह रहा है अब हमारा विनम्र निवेदन है माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी से कि कृपया इन सभी विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान करें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से आस्था शर्मा प्रथम पुरस्कार जीता है आस्था शर्मा ने हिमाचल प्रदेश से द्वितीय स्थान के हकदार रहे नरेश क्षेत्री फ्रॉम सिक्किम स्थान की बाजीमारी माहिरा खान फ्रॉम छत्तीसगढ़ ेशन प्राइजेस के लिए अब आमंत्रण है पी सुप्रिया फ्रॉम तमिलनाडु प्रतिमा यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी और सभी गणमान्य माननीयों का बहुत बहुत धन्यवाद जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने पूजनीय अपने आदरणीय का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं माननीय इन युवाओं का इस संसद भवन में आना इसे देखना यहाँ पर बोलना ये सब इनके लिए कभी न भूलने वाला मंजर रहा माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय जी आपकी अति गरिमामय उपस्थिति इन सभी युवाओं के लिए परम सौभाग्य की बात है आपका आशीर्वाद अगर इन्हें मिलेगा तो माननीय ये सोने पे सुहागा वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो जाएगी हमारी विनम्र प्रार्थना है आपसे माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें हमें राह दिखाएँ हम सबको शुभकामनाएँ दें बस जोरदार तालियाँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस कार्यक्रम में इस विभाग के मंत्री सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मंत्री खुदबी युवा श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस विभाग के राज्य मंत्री श्री नीतीश प्रमाणिक जी और जो कल बहुत कठिनाई और चुनौती में जिन्होंने आपका चयन किया हमारे सहयोगी साथी संसद में श्री मनोज तिवारी जी इस विभाग की सचिव श्रीमती गीता राजीव लोचन जी खेल युवा की सेक्रेटरी श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी यहाँ देशभर के अलग अलग राज्यों से एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा के बाद संसद के इस केंद्रीय कक्ष में पधारे मेरे सभी युवा साथियों भाइयों और बहनों जिस कक्ष में आज आप बैठे हैं ये एक ऐतिहासिक कक्ष है जहां भारत की आजादी जो हमने बड़ी कठिनाई चुनौतियों संघर्षों त्याग और बलिदान के प्राप्त बाद प्राप्त की उसका साक्षी केंद्रीय कक्ष है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इसी केंद्रीय कक्ष में एक लंबी चर्चा संवाद के बाद बना इसका साक्षी केंद्रीय कक्ष है और उसके बाद इस पिचहत्तर वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का साक्षी ये केंद्रीय कक्ष है और आप सबके लिए भी गर्व का विषय है कि इस केंद्रीय कक्ष में युवा सांसद प्रतियोगी के, के रूप में आपने अपने विचार व्यक्त किए और जिस तरीके के विचार व्यक्त किए जो आपका विजन है जो आपकी वाक पटुता है जो आप में आत्मविश्वास है जो आप में भारत को बदलने का नए भारत बनाने का आपके मन में संकल्प है सपना है ये मैंने आज कुछ क्षण आपके बीच में देखा और उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ और जिन्होंने यहाँ पर प्रथम सेकंड, थर्ड के रूप में सुश्री आस्था शर्मा जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से आती है नरेश क्षेत्री, जो हमारे उत्तर पूर्व सिक्किम राज्य से आते हैं सुश्री मायरा खान जो छत्तीसगढ़ जैसे दुर्गम इलाके से आती हैं सबने एक अच्छे विचार और विचारों के माध्यम से भारत में बदलाव भारत की नई तस्वीर आपके सामने रखी मैं विशेष रूप से खेल युवा मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने देश भर के अंदर दो लाख से ज्यादा नौजवानों के बीच में इस युवा संसद प्रतियोगिता को कराया और उसके विचारों को उनके अनुभवों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर वो सब हिस्सा बने बदलती भारत की तस्वीर और किस तरीके से हमारी आजादी प्राप्त करने के लिए त्याग बलिदान कुर्बानियां उसकी इतिहास और उसके साथ भविष्य की नए भारत की कल्पना को उन्होंने रखा इसके लिए मैं उन सब दूर दराज बैठे उन प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बधाई देता हूँ साथियों दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भारत है और इसीलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहते हैं लोकतंत्र हमारे आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र हमारे जीवन में हमारी कार्य प्रणाली में हमारे विहार में कई काल से वेदिक काल से लेकर महाभारत के काल से लेकर और बुद्ध के कार्य का इतिहास हम देखते हैं सभाएं संसद और किस तरीके से उस समय भी सामूहिकता के साथ निर्णय लेना और उस निर्णय को बिना कानून के उस समाज को मानना यह हमारे लोकतंत्र की प्रक्रिया रही है और विशेष रूप से हर कालकंड के अंदर लोकतंत्र की अपनी अपनी विशेषता रही है इसलिए लोकतंत्र की जननी भारत है और इसीलिए हमने जी ट्वेंटी के अंदर जिस तरीके के हमारी संस्कृति संस्कार हैं उसी तरीके से दुनिया में हमने जी ट्वेंटी का विषय एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य रखा है हमारे विजनरी नेता विश्व के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक हम वसुदेव कुटुमकम जब तक सारे विश्व को पूरा परिवार नहीं मानेंगे हम अपने अपने देश की कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन सारे विश्व की प्रगति होगी तो अपने आप सब देश की प्रगति होगी इसलिए विचार है और यह विचार ही आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर नई दिशा देने का काम करेगा और इसीलिए उन्हीं विचारों के मंथन के लिए आप यहां पर आए हैं आप जहां आजादी के पहले के इतिहास की चर्चा आप करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में आपने किए आजादी के बाद भारत और फिर नए भारत विकसित भारत का निर्माण और उसमें भारत के नौजवानों का योगदान और ये हम परिवर्तन देख रहे हैं ये परिवर्तन हम नौजवानों के आंखों में देख रहे हैं उनके आत्मविश्वास उनकी बौद्धिक क्षमता उनकी नए इनोवेशन की क्षमता उनके नए बदलाव के चिंतन में हम देख रहे हैं और यह चिंतन आता है चर्चा संवाद से बातचीत से जब दूर दराज का गांव का व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसके मन में भाव रहता है कि मेरा गांव, मेरा शहर मेरा देश कैसा होना चाहिए वो सामाजिक बदलाव लाने के लिए उसकी मन की मंशा उस चर्चा संवाद में झलकती है जो मैंने यहां वक्ताओं में देखी और इसीलिए भारत के लोकतंत्र के अंदर चर्चा संवाद सुवर्चित विचार सकारात्मक विचार और लोकतंत्र के मंद सकारात्मक आलोचना यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए हम युवा संसद अलग अलग नौजवानों में करते हैं तो इस विचार से करते हैं कि वह भारत की लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बने वह संविधान को जाने हमने अगर पिचहत्तर वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने अपने को एक केवल मतदाता मानकर करते हुए निभाया तुम देश में परिवर्तन नहीं ला सकते इस लोकतंत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी इस देश के बदलाव में हमारी सक्रिय भागीदारी और दुनिया के बदलाव से ज्यादा तेज बदलाव भारत में और उसमें मेरे देश के नौजवानों का योगदान और मैं आज देख रहा हूं इन्हीं भारत के नौजवानों में भी माननीय अनुराग जी बता रहे थे कोई समय था भारत के अंदर बेटी को पढ़ाने के लिए आंदोलन किया करते थे बेटी की शिक्षा के लिए सामाजिक आंदोलन हुआ करते थे आज कितना परिवर्तन है देश की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो देश का कोई भी क्षेत्र हो हर क्षेत्र में हमारी बेटियां अग्रिम पंक्ति पर है चाहे धरती पर हो चाहे अंतरिक्ष में हो विज्ञान में हो चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो चाहे प्रोफेशनल के अंदर डॉक्टर हो इंजीनियर हो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भारतीय प्रशासनिक सेवा की सर्विस हो चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा की सर्विस हो हर जगह हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है ये नए बदलते भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं और इसीलिए मैं नौजवानों आपसे ये कहना चाहता हूं इस भारत को बदलने का सबसे बड़ा योगदान हमारा है आजादी के आंदोलन के अंदर भी आजादी दिलाने में उस समय 18, 20 साल 22 साल का नौजवान था और इस पिचहत्तर वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जो सामाजिक आर्थिक बदलाव राजनीतिक बदलाव आए उसमें भी युवा की भूमिका है चाहे आर्थिक क्षेत्र में नए स्टार्टअप का क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो आज मैं सिक्किम के अंदर गया मैं मैंने देखा अभी दो दिन पहले तीन दिन पहले मैं सिक्किम में था दार्जिलिंग में था उस पहाड़ी इलाके में मैंने देखा कि वहां के नौजवान का क्या जीवट था वो अपने गांव के अंदर शिक्षा में बदलाव चाहते थे किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ाने निशुल्क पढ़ाने आते थे उस गांव में सारे सामाजिक बदलाव की एक ताकत ऊर्जा के साथ काम करना चाहते थे चाहे दुर्गम पहाड़िया हो चाहे जमीन हो चाहे रेगिस्तान हो चाहे आदिवासी इलाका हो हर इलाके के अंदर अब भारत का नौजवान नया इनोवेशन कर चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक बदलाव के अंदर हो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है और इतना ही नहीं दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी वहां के आर्थिक सामाजिक बदलाव में भारत के नौजवानों की भूमिका है इतनी सामर्थ्य और शक्ति आप में है और इस सामर्थ शक्ति की ऊर्जा आप आज यहां से लेकर जाएंगे जब यहां पर देखेंगे कि कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर इस देश को आजादी दिलाई अब हमारा योगदान क्या होना चाहिए इस विचार के साथ इस सुविचारित विचार के साथ आपको जाना है कि मुझे मेरे गांव के अंदर मेरे शहर के अंदर बदलाव की ताकत मुझे खड़े करनी है जो ऊर्जा जो सामर्थ्य हमारे में है जो सोचने चिंतन ने करने की ताकत हम में उसका उपयोग मुझे इसी उम्र में करना है बदलाव अभी लाना है भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना दो में लेकिन इस सपने को मुझे जल्दी करना है इस संकल्प के साथ आप केंद्रीय कक्ष यहां से जाएंगे और हर क्षेत्र के अंदर सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो गांव में बदलाव का क्षेत्र हो आर्थिक परिवर्तन के नए युग का हो राजनीतिक क्षेत्रों, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी हो लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम सामाजिक आर्थिक बदलाव में भूमिका हो यह हमें तय करना है और इसलिए आप देख रहे होंगे हमारे अनुराग जी कब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने थे चार बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इस नौजवान की सोच के लोग भारत में आएंगे और इस विचार से आएंगे कि मुझे मेरे भारत को बनाना है मेरा केवल अधिकार नहीं मेरा दायित्व है और यह दायित्व मुझे निभाना है मेरा भी कोई ना कोई कर्तव्य है इस मन भाव के संस्कारों से आपको यहां पर जाना है और नए विकसित भारत बनाने में हमारी भूमिकाओं और देश के और नौजवान आपकी इस सुविचरित विचारों से प्रेरणा लेकर नए भारत के निर्माण में जुटे जब भारत का सब नौजवान इस विचार से चलेगा इस मंथन से चलेगा इस चिंतन से चलेगा तो निश्चित बदलाव आएगा और बदलाव आपको ही करना है यही संकल्प लेकर यहां से जाएं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए और अब हम आग्रह करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर श्री नितेश कुमार मिश्रा जी से कि कृपया आभार प्रकट करें माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी माननीय सांसद तथा हमारे ज्यूरी के सदस्य श्री मनोज तिवारी जी आदरणीय सचिव युवा कार्यक्रम विभाग सुश्री मीता राजीव लोचन आदरणीय सचिव खेल विभाग सुश्री सुजाता चतुर्वेदी चतुर्वेदी सर्वप्रथम मैं श्री ओम बिरला जी माननीय अध्यक्ष लोकसभा का अपना बहुमूल्य समय निकालकर संसद के केंद्रीय कक्ष में चौथे राष्ट्रीय स्तर के युवा सांसद महोत्सव की शोभा बढ़ाने और प्रतिभाशाली युवा भारतीय जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं उनका संभाषण कौशल देखने के लिए और अपना संदेश देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ महोदय आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश ने हमें कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रेरणा से ओतप्रोत किया है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कार्यक्रम में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी माननीय मंत्री युवा मामले और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी सौम्य उपस्थिति से न केवल युवा वक्ताओं बल्कि लाखों अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया है जो देश के दूर दराज इलाकों से आपको सुनने के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा जुड़े हैं हम चौथे राष्ट्रीय युवा संसद महोदय महोत्सव के सफल आयोजन में श्री निशित प्रमाणिक माननीय राज्य मंत्री युवा मामले और खेल तथा क्रीड़ा द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए भी अत्यंत आभारी हैं मैं इस आयोजन को इतनी कम समयावधि में सफल बनाने के लिए सचिव युवा मामले सुश्री मीता राजीव लोचन द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए खेल विभाग की सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं सारे माननीय ज्यूरीगन जिसमें से आज हमारे साथ माननीय सांसद मौजूद हैं उनका हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं अगर मैं संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय स्तर के युवा संसद महोत्सव के आयोजन की अनुमति देने के लिए प्राइड के प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं करता हूं, तो मैं अपने कर्तव्य से चूक जाऊंगा। संसद के सेंट्रल हॉल में जिन युवाओं को बोलने का अवसर मिला है उनके लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा एन एनएसएस और युवा कार्यक्रम विभाग के सभी अधिकारी जिन्होंने रिकॉर्ड समय में जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर के एन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया है वो बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं बिना आपके समर्थित प्रयासों के कारण यह संभव नहीं हो पाता लोकसभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण संसद टीवी और मीडिया से आए सभी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं मंच संचालिका महोदया का सफल संचालन के लिए धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा अंत में युवा वक्ताओं जो जिला और राज्य स्तर पर कठिन प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए और हमें राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर आपके विचार सुनने का अवसर प्रदान किया मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ आपके सुनने से हमें दोगुना यकीन हो जाता है कि हमारा देश संभावनाओं और आशावाद से भरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल संचालन में अपना बहुमूल्य समय और समर्थन दिया है मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार पुनः नमस्कार और धन्यवाद जय हिंद जय जाह भारत बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री नितेश कुमार मिश्रा जी हम कोटेश हृदय से धन्यवाद करते हैं माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार माननीय बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री निशीत प्रमाणिक जी का माननीय श्री मनोज तिवारी जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभी सभी लोग जो हैं वो आ, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए पधारेंगे माननीय आपसे निवेदन है कृपया फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का सौभाग्य प्राप्त कराएं बाहर इंतजाम किया गया है तो सभी जो प्रतिभागी हैं वो वहां पर आएंगे आपसे निवेदन है सभी प्रतिभागी की कृपया अपने स्थान पर रहें पहले माननीय जो हैं वो प्रस्थान करेंगे मंचासीन सभी माननीय गणों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं अब वे सभी प्रस्थान करेंगे फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए और उसके बाद हमारे जो सभी प्रतिभागी हैं वो भी वहां पर प्रस्थान करेंगे और उसके बाद आप सभी लंच पर सादर आमंत्रित हैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कुछ देर इंतजार करें और उसके बाद माननीयों के प्रस्थान के बाद आपसे भी प्रस्थान करेंगे एक एक करके आप लोग निकलेंगे व्यवस्था पूर्वक तो उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद में आप सभी लंच पर ज़रूर आइएगा मैं आप सभी से अनुमति लेती हूँ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद Hello 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 check 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 hello check hello 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 check hello hello check check hello hello hello